एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक बुद्धिमान और साहसी लड़का रहता था। अयान को रोमांचक कहानियों का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ नया खोजने की सोचता रहता था। एक दिन उसे गांव के बड़े बूढ़ों से एक जादुई जंगल के बारे में सुनने को मिला। उन्होंने बताया कि उस जंगल में अजीबोगरीब प्राणी रहते हैं और वहाँ का हर पेड़ पौधा बोल सकता है। अयान ने फैसला किया कि वह उस जादुई जंगल का रहस्य जानने जाएगा। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी प्यारी बिल्ली मीना को भी साथ ले लिया। जंगल में कदम रखते ही अयान को एक अजीब सी अनुभूति हुई। पेड़ पौधे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और पक्षी उसकी ओर दोस्ताना नजरों से देख रहे थे। अचानक एक चमकीला तितली उसके सामने आई और बोली, अयान, मैं तारा हूँ, इस जादुई जंगल की रक्षक, तुम यहाँ क्यों आए हो? अयान ने तारा को सब कुछ बताया और उसके जंगल का रहस्य जानने की इच्छा जताई। तारा ने कहा, अगर तुम वास्तव में साहसी हो तो तुम्हें इस जंगल के 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई की गुफा। अयान को वहाँ जाकर एक सच बोलना था जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। उसने गुफा के अंदर जाकर कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर मैं इसे कभी किसी को नहीं बताता। गुफा ने उसे सच्चाई की शक्ति दी और वह आगे बढ़ा। दूसरी परीक्षा थी सहन शक्ति का झरना। अयान को उस झरने का ठंडा पानी पीना था और यह दिखाना था कि वह हर कठिनाई को सहन कर सकता है। उसने झरने का पानी पिया और महसूस किया कि वह और मजबूत हो गया है। अंतिम परीक्षा थी दोस्ती की वादी। उसे एक अकेले उदास पौधे को हंसाना था। अयान ने अपनी मीना को उस पौधे के पास ले जाकर खेलना शुरू किया और पौधा खुशी से झूम उठा। तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के बाद तारा ने अयान को जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उसने कहा, यह जंगल हमें सिखाता है कि सच्चाई, सहन शक्ति और दोस्ती से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अयान ने इस अद्भुत अनुभव को यादगार बना लिया और गांव वापस आकर सबको इस जादुई जंगल की कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए।